ये पेंटिंग एक बार्बी थीम पेंटिंग बना रही हूँ मैं, जो कि क्यूट सी बेबी की। क्यूट सी बार्बी की पिक्चर है, आप आगे देखना, काफी अच्छी बनने वाली है ये पिक्चर। पेंसिल स्केच से पूरा लुक देने वाली हूँ मैं इसका। कुछ कुछ जगह मैं इसका इसमें कलर्स का यूज़ करूँगी, वो भी मैं सोच रही हूँ कि इसमें केवल पेंसिल कलर का ही यूज़ करूँ। क्यूट सी बार्बी बनने वाली है ये। एक आईज मैंने कंप्लीट कर दी है, अब मैं दूसरी आईज बनाने वाली हूँ इसकी, इन बार्बी की। थोड़ा डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ जिससे ये क्लियर दिख पाए। देखिए मैंने पेंसिल से ही इसको फिल कर दिया, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये एक आइज थी इसकी। थोड़ा है इसमें शेड दे रही हूँ मैं, थोड़ा इसको हल्का हल्का। देखिए इस तरह डार्क पेंसिल चलाने से हाथों में द पेन भी होने लग जाता है। देखिए ये दोनों आइज कंप्लीट हो गई है, अब इनका मैं नोच बना रही हूँ। नोज में भी मैं डार्क पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ। जितना हो सके डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ उसमें, लाइट यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि जितना डार्क पेंसिल का यूज़ होगा ये हाईलाइट होती जाएगी और भी अच्छे से। मैं इनके लिप्स बना रही हूँ। लिप्स में भी हल्का हल्का थोड़ा सा डार्क हम यूज़ करेंगे।
यहाँ पे हम लाइट ही रखेंगे, इसमें हम पेंसिल स्केच रेड कलर का यूज़ करेंगे बाद में, थोड़ी देर बाद में, ठीक है। इतनी देर हम फेस का साइड शेड, इसमें भी हल्का हल्का हम साइड में डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे। थोड़ा नेक का, इस तरह से शेड देना थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा साइडों में निकल भी नहीं जाता, अच्छा दिखने में बाहर आता है। अभी हम इनका थोड़ा, अभी इसमें हम थोड़ा सा हेयर का हेयर बनाते हैं। पहले हम आउटलाइन कर लेते हैं, बाद में इनको फिल करेंगे। या तो हम इसमें थोड़ा सा पेन का यूज़ भी कर सकते हैं, ब्लैक पेन का, या फिर मार्कर कुछ भी ऐसा हो जिसे काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। ये बनने के बाद देखते हैं कैसा बनता है ये, और प्लीज़ आप भी कमेंट करना कैसा बना ये। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा बना है नहीं बना। इस साइड में हेयर के पास हेयर, इसमें भी अभी पेंसिल से आउटलाइन बना देती हूँ शेड में, इसमें सबके साथ एक साथ में दूंगी। पर भी हेयर में एक बार आउटलाइन बना देती हूँ पूरा। इसका हेयर और आईज सबका आउटलाइन क्लियर हो चुका है, बन चुका है।
अब मैं डार्क पेंसिल से इसका थोड़ा सा इसमें शेड दे देती हूँ, कुछ इस तरह से देखिए, सेम वैसे ही जैसे मैंने ऊपर दिया था। ये कुछ जगह डार्क, और जैसे पेंसिल ऊपर जाती जाएगी फिर ऐसे थोड़ा सा डार्क, ये अच्छा लगता है। थोड़ा सा कहीं से थोड़ा डार्क, कहीं से थोड़ा लाइट, इसमें भी थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क। मुझे पेंसिल स्केच बनाना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं पेंसिल स्केच बनाने की। इसमें अभी हेयर में शेड चल रहा है, कुछ कुछ जगह डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कुछ जगह नॉर्मल लाइट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ थोड़ा डार्क चलता है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। प्लीज़ कमेंट करना कि ये मैंने पिछली बार भी कैसी बनाई है। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा कलरफुल बार भी बनाने की कोशिश करूँगी। आज केवल पेंसिल स्केच। यहाँ पे भी थोड़ा डार्क कर देती हूँ। अच्छा लग रहा है, ये कुछ ऐसे रहने देती हूँ। यहाँ पे भी आईज के पास थोड़ा सा डार्क ऐसे। ये डन हो गई है, थोड़ा थोड़ा और शेड देते हैं इसमें। इस तरह पेंसिल से थोड़ा सा लाइट शेड देती हूँ इसमें मैं। पेंसिल से शेड देने से थोड़ा अच्छा लुक आ रहा है।
सारे में थोड़ा ना करूँ। इसमें हम रेड कलर का यूज करेंगे लिप्स में। ये देखिए पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। मैंने पेंसिल से हल्का हल्का आउटर भी शेड दिया है। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।